हेलो गाइस, पुष्पा की रसोई में स्वागत है। आज हम दिखाएंगे ऐसी सब्जी बना के जो बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही हेल्दी और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो ये देखिए, मैं कुछ हरी मिर्च ली हूँ, थोड़ी प्याज, थोड़ा लहसुन और अदरक, इन सबको हम काट लेंगे। एक मैंने आलू का छिलका निकाल के उसको धुल करके उसके छोटे छोटे पीस कट कर लेंगे। और अब हम काटेंगे मेथी। मेथी को मैंने धुल के अच्छे से पत्ती पत्ती तोड़ ली हैं, तो इस तरह से मैं मेथी को कट कर लूँगी। इस तरह से आप यदि सब्जी बनाते हैं तो बच्चे और हम सब लोग बहुत ही चाव से खाते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार भी होती है और ये सर्दियों में बहुत फ़ायदेमंद भी होती है। इस समय तो हर जगह मेथी मिल जाती है, सीजन है, तो इस तरह से आप भी बना के देखें। तो मैंने ये मेथी को कट कर लिया। अब मैं लूँगी गोभी। यदि गोभी को हम ऐसे बनाते हैं तो नहीं अच्छा लगता है, और मेथी को अकेले बनाते हैं थोड़ी करवाट रहती है, तो बच्चे नहीं पसंद करते हैं। मैं इस तरह से आज बना के दिखाऊंगी तो बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि हमने ये मेथी से इतनी अच्छी टेस्टी सब्जी बना के तैयार की है। तो मैं गोभी को छोटे छोटे से पीस कट कर लूँ, क्योंकि हमें बहुत ही बारीक सब्जी बनानी है ये, ताकि पता ही ना चले कि ये सब्जी किस चीज़ की है। तो मैंने सब कुछ कट करके इसमें थोड़ा सा तेल डाला है, और मैं प्याज लहसुन अदरक जो मैंने काट के रखा वो डाल देंगे, और वो फ्राई हो जाए तो सारी सब्जियों को हम साथ में डाल देंगे और इस तरह से थोड़ा सा चला देंगे। थोड़ा चलाने के बाद फिर हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा ढक देना है और आँच को हम धीमा कर देंगे। तो ये जब तक मेरा पक रहा तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब हम ज़रा सा नमक डाल दें। याद रखें, जब भी आप हरी पत्तियों की सब्जी बनाएं थोड़ा नमक कम ही डालें, क्योंकि इसमें नमक वैसे ही थोड़ा बहुत होता है। और इस तरह से आँच को धीमा रखें और बीच बीच चला के देखते रहें। अब हम इसके लिए तड़का तैयार करेंगे। तो हम तेल डाल देंगे, जीरा डाल देंगे, और मैंने मसाला पीस के रखा हुआ है लाल मिर्च का, लाल मिर्च और टमाटर, तो उसको भी उसमें डाल देंगे हम। तो जब तक मेरा तड़का तैयार हो रहा है तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करके बताएं, ताकि मैं इसी तरह से आपको रेसिपी नई नई बना के दिखा सकूं। तो ये देखिए, मैंने लाल मिर्च टमाटर को पीस करके रखा हुआ था, थोड़ा सा लहसुन भी डाल दिया था। अब हम हल्दी पाउडर डाल लेंगे, थोड़ा सा गर्म मसाला डाल लेंगे, थोड़ा सा भुंजा जीरा डाल देंगे। तो ये देखिए, अब हमारा तड़का एकदम तैयार हो चुका है। अब हम ये डाल देंगे जो हमने सब्जी बनाई हुई है। तो ये देखिए, अब हम इसमें डाल देंगे ये, और इस तरह से हम थोड़ा सा चला देंगे और सारा बस मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।